गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपको वीवा ब्रदर्स पर मैंने गुड मॉर्निंग बोले हुए ऑलमोस्ट 9 या 10 महीने हो गए, तो बड़ा टाइम लगा दिया मैंने इस चैनल पर वापस वीडियो डालने शुरू करने के लिए। लेकिन खैर जो भी है, देर आए दुरुस्त आए। तो अभी बज रहे ऑलमोस्ट सुबह के 11:15 और आज बड़ा स्पेशल दिन है क्योंकि आज दो अच्छी चीज़ होने जाने वाली है। एक तो है मेरा व्लॉगिंग जो फाइनली स्टार्ट हो चुका है, या फिर बोले ये नेट प्रैक्टिस चल रही है। और जो दूसरी स्पेशल चीज़ आज होने वाली है वो है विश्व का नया फुल फ्रेम कैमरा। जैसे आप सब जानते हो कि विश्व उसके व्लॉग्स कैनन 200D से शूट करता है, तो उसको लो लाइट में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो उसको एक फुल फ्रेम कैमरे की ज़रूरत है और उसकी वो ज़रूरत आज पूरी होने वाली है क्योंकि आज हम उसके लिए एक नया फुल फ्रेम कैमरा लेने जाने वाले हैं। और मम्मी पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आज से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैं नीचे जाऊँगा कैमरा हाथ में लेकर। तो हर बार तो वो विश्व को देखते हैं कैमरा हाथ में लेकर नीचे उतरते हुए, तो आज देखेंगे कि मेरे हाथ में कैमरा देखकर और मेरे को व्लॉगिंग करता हुआ देखकर उनका रिएक्शन क्या होता है। भाई कितनी देर लगे तू भी व्लॉगर है क्या? भाई एक घर में दो व्लॉगर रहेंगे तो फिर ऐसे ही आमने सामने टकराएंगे। एक म्यान में दो दो तलवार। मम्मी क्या है तेरा रिएक्शन? अभी मेरी नाव खतरे में है। अरे तू भाई है मेरा, काय का खतरा, मैं तेरे को बचा लूंगा ना। और अभी ये देखिए टेंटन है। आज से व्लॉग स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। और ये क्या खाना? आज देखो मैं आपके लिए पनीर की सब्जी बना रही हूँ। इधर पनीर का तो नाम निशान है। पनीर ओहो बन जाएगी फिर दिखाऊंगी। ओके पापा को पता चला कि आज मैं व्लॉग करने वाला हूँ, तो पापा जाकर उनके बाल बाल अच्छे से सेट करके आए। तो अभी पापा आपके आसपास दो दो मशीन गने घूम रही है, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? बस कहाँ जाऊँ कैसे बचूँ इससे। पापा को पता नहीं कैमरे से क्या दिक्कत है उतनी, जब कैमरा आता है पापा बोलते हैं मशीन गन हटाओ मेरे सामने से। विश्वास कौन सी गाड़ी लेकर जाएंगे आज? तो ब्लू गाड़ी तेरी। ब्लू तो। ये देखो विश्व की चालाकी। मैंने उसको क्यों पूछा और वो क्यों मेरी कार बोल रहा है, क्योंकि भाई 3 बजे सारी दुकान बंद हो जाती है। हाँ। और जब तक दुकान खुली रहती है तब बहुत भीड़ रहती है, तो विश्व को पता है कि उधर पार्किंग की बड़ी डिफिकल्टी होने वाली है। भाई मेरी गाड़ी कहीं से घिस-पिस जाए तो। और ये विश्व की बड़ी जलती है अगर उसकी गाड़ी पे इतनी भी स्क्रैच आती है तो। और भाई मेरी गाड़ी तो अभी कुछ महीनों, चंद महीनों पुरानी है भाई। लेकिन तेरी गाड़ी का एक राज है कि थोड़े महीनों में वो गाड़ी मेरे पास ही आने वाली है, लेकिन वो अभी थोड़ा सीक्रेट है। ओ, मेरी गाड़ी छीनने वाला है तू। चलिए जो भी है, तो ला गाड़ी की चाबी निकाल, अभी मेरी गाड़ी लेकर ही जाएंगे। मम्मी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। रिद्धि जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे ओ भाई कितनी देर लगा दी तूने। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। सो फाइनली हमने विश्व का कैमरा ले लिया है और बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं। तो घर पहुंच के आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा कैमरा लिया है, सही है ना विश्व? और हमारी जेब कितनी हल्की हुई है। हमारी नहीं, मैं सिर्फ मेरी हुई। अबे तेरे जेब में से जाए या मेरी जेब में से जाए, वो तो है, बात तो एक ही है ना। बात एक ही है, लेकिन भाई मेरी सेविंग चली गई सारी। तो उसमें क्या है, और एक बार सेविंग चली गई तो दूसरी बार सेविंग और बढ़ाने का तेरे को मन करेगा। हाँ। कि और ज्यादा पैसे बचाता हूँ तो और ज्यादा खर्च करूंगा तो भी कम नहीं होगा, समझा? विश्व ने भी खाना खा लिया। देखो मम्मी को तो खाना खाने के बाद वज्रासन कर रही है, और इधर रिद्धि भी खाना खा रही है। और मैं खाना अभी तक इसलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि इवा को स्किन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको देखने के लिए अभी डॉक्टर घर पे आने वाला है। तो एक बार डॉक्टर आके इवा को देखकर अच्छे से सब उसकी ट्रीटमेंट जो भी हो कर चले जाएंगे, उसके बाद मैं राहत की सांस लूँगा और खाना खाऊंगा। साफ करो ना पची उल्टू खजवाड़ी खजवाड़ी करवानो साफ करी नहीं तो एक ईयर ड्रॉप्स लखी राखो छु तना ध्यान लेने पेन के इरिटेशन नहीं है।
तो अभी जो ईवा का डॉक्टर ने ब्लड सैंपल निकाला है उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना है। डॉक्टर को थोड़ा बहुत डाउट है कि शायद ईवा को थायराइड का इश्यू हो सकता है, तो हमारे घर के पास में ही लेबोरेटरी है। तो पापा बोल रहे हैं अभी मैं निकल रहा हूँ तो उधर मैं ये सैंपल देकर आऊँगा, और साथ में ये दवाई भी लानी है पापा ये। और अभी फाइनली मेरे को टाइम मिल गया है खाना खाने का, तो बीवी मेरी खाना देगी, अभी देगी कि नहीं देगी? चलो खा लो फटाफट। क्या दे रही हूँ? क्या बनाया वो तो दिखा आज। लेकिन देखो आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, पनीर टिक्का मसाला और पराठे। अभी विश्व भी कुछ बताता है, क्या बताएगा? खाना देखा ना कि भाभी ने अलग बनाया है, पनीर की सब्जी बनाई है, फिर पराठे बनाए हैं। हाँ? तो मेरे व्लॉग में कुछ अलग ही खाना है। वे तो तूने क्या खाया? वही तो है, तेरे व्लॉग भी अलग, मेरे व्लॉग भी अलग, खाना भी सबका अलग अलग। देखो आज तो पहला दिन है, ये मैं पहले ही बोला ना ये नेट प्रैक्टिस चल रही है मेरी, तो अभी आज तो घर का दिखेगा आपको व्लॉग, लेकिन मेरे व्लॉग में आपको घर से बाहर जाकर भी बहुत सारा कुछ दिखेगा। क्योंकि भाई रफू चक्कर होने वाला है। रफू चक्कर नहीं बोलते उसको क्योंकि भाई मैं घर में बैठने वालों में से नहीं हूँ। मेरे को आए दिन कीड़े काटते रहते हैं बाइक लेके घूमने जाने का, तो भाई मोटो व्लॉगिंग भी इधर होने का बहुत चांस है। क्या लगता है विश्व? खाना गया, खाना गया, खाना गया। रोटी के अंदर मैंने वो धनिया डाला है। वाह, शादी के बाद इतना खाना खा रहा हूँ मैं पागलों की तरह, और मेरी बीवी भी इतना अच्छा खाना बना रही है, और मम्मी को भी पता नहीं क्या हो गया कि मम्मी भी मेरे को इतना खाना खिला रही है। तो भाई मेरा वेट पूरा पुट ऑन हो गया, और बीच में कोविड में था तो भाई 4 टाइम खाना खाता था, 2 टाइम पेट भर के नाश्ता और 2 टाइम दबा के खाना, तो भाई उसकी वजह से मेरा वेट इतना बढ़ गया है, और साथ साथ में ऑलमोस्ट हाँ रिद्धि का भी बढ़ गया है। तो रिद्धि को ऐसा था और मेरे को भी ऐसा था कि थोड़ा बहुत वेट लूज़ करेंगे उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज ये कल वो परसों वो ऐसा कोई भी रीज़न आते आते फिर व्लॉग डिले ही होता जाता था। तो फिर सोचा भाई एक बार कैमरे के सामने आ जाएंगे, सब लोग कॉमेंट करेंगे तो अपने आप पतले हो जाएंगे। रिद्धि मेरे को कुछ बोल रही थी, ऊपर आते ही उसने फरियाद शुरू कर दी। क्या बोल रही थी बता? कुछ नहीं। अरे बता, कुछ नहीं बोल रही थी। मेरे को बोल रही है मैं आज सुबह से नहाई भी नहीं थी और इतनी गंदी थी, मेरे बाल भी ठीक से नहीं बने थे, और आपने मेरे को ऐसे ही व्लॉग में क्यों ले लिया? तो अभी देखो व्लॉग है, रियलिटी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक्टिंग चल रही है और मूवी चल रहा है। तो मेकअप करके आएंगे तो जैसी थी वैसा दिखा दिया, तू ना कर घूमती तो ना कर दिखा देता तेरे को। क्या हुआ? नहाती नहीं बट एटलीस्ट कपड़े तो चेंज करती मैं। कपड़े चेंज, कपड़े में क्या रखा है, बाहर की चीज है ना। मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ बट कपड़े तो मैं चेंज कर सकती थी। अच्छा, ना मतलब रिद्धि बोलना चाहती है मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ। है ना? हाँ मैं तो हूँ ही नेचुरल। ओह देखो कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, है ना? हाँ, मेरे जैसा। अभी रिद्धि को देखना है कि मॉर्निंग में जो मैंने उसका वीडियो लिया था उसमें कैसी दिख रही है। सुमो पहलवान जैसी दिख रही हूँ मैं। रिद्धि बोल रही है मैं सुमो पहलवान जैसी दिख रही हूँ, तो क्या हुआ? सुमो पहलवान तो सुमो पहलवान अभी है तो दिखेंगे, उसमें क्या है? हाँ। अभी देखो मैं कितना भी छुपा हूँ, मैं खुद को छुपा सकता हूँ? नहीं छुपा सकता। अभी देखो मैं काला हो गया हूँ वो भी मैं नहीं छुपा सकता, मैं मोटा हो गया हूँ वो भी नहीं छुपा सकता। अभी कोई भी नहीं छुपा सकते अपना मोटापा, देखो कैसे भाई। अभी देखो जो है वो है, अभी नहीं छुपा सकते तो क्या करें, और छुपाना चाहिए भी नहीं, जो है उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई कमी पेशी है तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ना कि आप छुपाने की कोशिश करो। अभी मेरे को लगता है कि मैं मोटा हो गया हूँ तो मैं पेट दबा के खड़ा रहूँगा कितनी देर तक, उससे अच्छा है अगर मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं अच्छा दिख रहा हूँ तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। हाँ, तो हम लोग वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ, ऐसा 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 2 दिन से रिद्धि बोल रही है, लेकिन कोई सुबह उठता नहीं है और कोई वर्कआउट करता नहीं है, घर में इतना बड़ा जिम बना के रखा है लेकिन क्या फायदा। तो कल से जाने वाले हैं ना हम। मेरे को मत पूछ, तू बोलेगी तो मैं आऊंगा। नहीं, हम जाएंगे साथ में। नहीं ना बेन, अब विश्व 2.25 लाख नो कैमरा लियो तो पार्टी आपी तुमने। नहीं नहीं जो थी। ओहो नैना मैन बोल रहे विश्व की शादी में बड़ी पार्टी लेगा अभी, उनको क्या पता विश्व को मैं शादी करने ही नहीं दूंगा। अरे भाई तो कर दी, अभी मेरी बारी है ना, अभी मेरा रास्ता क्लियर है। देख हाल रास्ता क्लियर, लेकिन टाइम है ना अभी तो। अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, तब तक तो नैना बहन आप तो बूढ़े भी हो जाओगे। हाँ, बूढ़े हो जाओगे।
अभी तक ये कैमरा अनबॉक्सिंग के लिए हम पापा की वेट कर रहे थे, अभी पापा आ गए तो अभी रिद्धि नहाने गई है, तो भाई और वेट करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना, जो चीज़ जब लिखी होती है तभी होती है, तो भाई हम कितना भी वेट कर ले, उसका टाइम जब लिखा होगा बक्से से बाहर निकलने का, ये तभी निकलेगा। वैसे कैमरा हमने एक बार शॉप के अंदर खोल के पूरा चेक करके वापस जैसा था वैसा पैक करवा लिया है, क्योंकि भाई एक बार चेक करना तो बनता है, फिर घर पे आके हमारा पपलू हो जाए तो क्या करने का विश्व। हाँ, वैसे तो बहुत कम चांसेस है ऐसे नहीं चलने के, मतलब कुछ बिगड़ा हुआ होता है उसके, लेकिन फिर भी इतनी महंगी चीज़ ले रहे तो एक बार चेक करके लेना बेटर रहता है। 4 लाख कितने हुए अभी? 3,58,000 तो हो गए यार। क्या बात कर रहे हो, तो विश्व की चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर होने आए और इस चैनल पर तो ऑलरेडी 1 मिलियन हो गए, तो भाई जल्दी से जाओ और विश्व की चैनल पर भी फटाफट से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो, तो भाई हम दोनों भाई का मिलियन हो जाएगा। वो दोनों गोल्ड बटन हमारे दोनों के पास। वैसे हमने बहुत सालों पहले विवा फूड वर्ल्ड में बोला था कि हमारे गोल्ड और सिल्वर प्ले बटन आ जाएंगे तो हम पीछे दीवार पर लगाएंगे, लेकिन वो प्लान हमारा चौपट हो गया, क्योंकि भाई उधर पीछे लगाते हैं ना तो बटन इतने छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि दीवार हमसे थोड़ी दूर रहती है, तो भाई वो प्लान तो कैंसिल हो गया। लेकिन अभी आएंगे तो हम व्लॉग कर रहे तो दिखा पाएंगे कि किधर हम शायद रखेंगे। हाँ। विश्व के रूम में या फिर लगेगा, तेरा जो बटन है वो। नहीं ऐसा मेरा तेरा क्या, जो भी है हमारा सबका है। बहुत सारे तो क्या हो गया, देखो शर्ट में भी बहुत सारे बटन होते हैं लेकिन एक लाइन में ही होते हैं। समझा? आधे इधर फिर आधे मेरे रूम में, ऐसा रखेंगे? ऐसा नहीं करना ना, शर्ट में आधे आगे बटन आधे पीछे, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर कहाँ रखेंगे? तेरे रूम में रखेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या है भाई, तू मेरा भाई है, जो तेरा है वो मेरा है। और हम सब इधर ये बातें कर रहे हैं और उधर नैना बहन देखो लाइव व्लॉग देख रहे हैं उधर बैठ कर। नैना बहन हाय बोल दो सबको। नैना बहन देखो खाना खाते हुए हमारा लाइव व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। वाह, देखो वीआईपी उसको बोलते हैं, ये वीआईपी सर्विस बोलते हैं इसको, नहीं विश्व? हाँ। सो फाइनली 2-3 घंटे वेट करवाने के बाद देख लो कौन आया है। और भी मैं 1 घंटा लेट आ रही हूँ सबको लेके। बाहर फुल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अरे किधर गई रिद्धि? हाँ। तू समुंदर में नहा के आई क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि तो और भी नमकीन हो गई। अरे ओ भाई, इधर भी चालू हो गई, मेरा भी जाओ इधर। पूरी बना रही थी मैं तो जल गई। कैसे लेकिन जली? ऑयल गिरा हाथ में। ये सास बहू के झगड़े तो नहीं है ना? ये देखो मम्मी भी आ गई। हां रिद्धि, हम कभी झगड़ते नहीं है, बोलो मम्मी। हम कभी झगड़ते हैं? उसका पता चलना चाहिए बदमाश। इतनी बड़ी बीवी ऐसे करके मेरी छोटी सी मम्मी को पकड़ेगी? मेरी मम्मी वैसे भी कुछ नहीं बोलेगी। ये देखो सास बहू का मिलन हो रहा है। हमारा तो मिलन होता ही रहता है, इनका ही मिलन नहीं होता है किसी के साथ, इनका। ये अपनी दुनिया में रहते हैं पूरे। ये देखो इधर आकर भी अलग ही बैठे हैं पापा। हाँ, वो अपनी दुनिया में होते हैं। पापा इधर आपको क्यों बुलाए पता है आपको? अरे नहीं, अनबॉक्सिंग करना है कैमरा में। आज अनबॉक्सिंग पापा करेंगे। पापा को कहाँ से खोलना है वही पता नहीं चलेगा इसको। अरे ये नहीं खोलना है, ये खोलना है, ये खोलना है। इधर देखो पार्टी हो रही है। ये देखिए, आपको लगता होगा अभी इतना सब सुना आपने, उस पर से आपको क्या लगा कि जब मैं बोलता हूँ तब ये ज़्यादा खाती है, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ कि कॉफ़ी पीने बैठी है और साथ में क्या क्या लिया है। ये देखो, ये मैंने अकेले के लिए ले लिया है। इतना सामान तो पूरी दुकान में नहीं होता। ये हम दोनों के लिए लिया है, बाय द वे। वहाँ दिख रही है आपकी कॉफ़ी भी? हो, मेरी कॉफ़ी भी है। हाँ, ये तो मैं भूल गया दिखाना। ये देखो, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि इतना सारा बिस्किट्स और वो सब तू मेरे लिए ला के रख, मेरे को उतनी आदत नहीं है। मुझे ही है उतनी आदत खाने पीने की। हाँ दिख भी रहा है। और ये देखिए रिद्धि का हर रोज़ का शाम का शेड्यूल क्या होता है। ओ क्या कर रही है रिद्धि? खराब हो गए थे ना, उसको काट रही थी ये गलती से। ये प्लांट वैसे तो बढ़ नहीं रहा है, बट ये दोनों ना, ये देखो ये सब कितने बढ़ गए। अच्छा, तो अभी कैंची लेके इनके बाल काट रही है। हाँ। और यहाँ पे और 2 प्लांट्स में लेके आने वाली हूँ।
बेटा हमारे बाजू में भी कोई रहने आएगा अभी, तो वो लोग किधर रखेंगे फिर? वो लोग अपना देख ले। ये तो गुंडी है। फुल करो पेट्रोल। नमस्कार। अभी घर पे दो गमले को, तीन गमले को पानी दे रही थी रिद्धि और उसको जगह दी कही के और दो गमले आ सकते हैं, तो मेरे को तुरंत बोली के चलो अभी के अभी जाते हैं, दो गमले लेकर आते हैं। मतलब इसके साथ बात करने का भी सोच समझ के करनी चाहिए। नहीं, आज हमारे नेबर आए हुए थे ना, तो उनको मैंने पूछा क्या आप यहाँ पे आज आए हो रहने के लिए आने वाले, तो वो बोले नहीं हम रहने नहीं आए, साफ सफाई करने आए। अच्छा। तो मैंने बोला चलो उनकी प्लेस को भी हम कवर कर देते और पॉट्स रख देते। मैंने बोला ना गुंडी है ये, गुंडी। और उसके अंदर प्लांट्स के लिए है। देखिए इधर शॉपिंग चालू हो गई रिद्धि की। वो व्हाइट वाला है ना, वो उसमें रोज पानी दे सकते हैं ना? दो ही लेने हैं रिद्धि। हाँ दो ही लेने हैं। एक बार फ्लावर आने के बाद दोबारा नहीं आता है। तो लेने के टाइम तो आपने बोला नहीं था कि एक ही बार फ्लावर आएगा? फ्लावर देख के ना पसंद करते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हो 12 महीने वाले आप प्लांट। हां हां ठीक है, अभी ये येलो वाला एक मुझे हाथ में निकाल के दिखाइए। भाई देखो इसमें भी कैच है, एक बार फ्लावर आने के बाद दूसरी बार नहीं आते, तो भाई वो प्लांट का क्या करने का? व्हाइट में डाल दो, व्हाइट में डालना और ब्लैक में ना। रिद्धि तेरे को पता है? हाँ। इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज मेरे को क्या लगती है? क्या? उजाला ही उजाला। ये देख जहाँ पर देखो वहाँ लाइट्स। और यहाँ पे भी उजाला है ना? किधर? यहाँ पे। ओ माय। मतलब खुद की तारीफ करवा लो। नहीं तो आप बैठे हो वहाँ पे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। अरे तो मैं थोड़ा काला हूँ, ये देख अभी। ओ माय गॉड। दिख रहा हो ना? हाँ दिख रहे हो अभी। तो दिखे दिल की नजरों से देखो सब कुछ दिख जाएगा। यही वो प्लांट था जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके फूल मुरझा गए। ये देखिए अभी इतने ही है, ये इससे ऊपर उग ही नहीं रहा है। और वो बंदा बोल रहा था अभी नहीं उगेंगे, ऐसा है ना? नहीं उगेंगे ऐसे। और हमारे नए प्लांट किधर रखे सर? एक ये रहा, एक ये रहा। लेकिन ओवरऑल अच्छा लग रहा है, अभी हरा भरा लग रहा है पूरा। तो बस फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक देना बनता ही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।